वाराणसी में स्थित नेपाली मंदिर की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और ये आपको सीधे 19वीं सदी के काल में ले जाती है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यह नेपाली मंदिर नेपाली वास्तुशैली से बना हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि वाराणसी के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह नेपाली मंदिर गंगा किनारे ललित घाट पर स्थित है और इस नेपाली मंदिर के प्रमुख देवता भगवान शिव हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर बना यह मंदिर अपनी नक्काशी कलाकृति के साथ मनमोहक है, जो दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और भक्त दर्शन पूजन कर भगवान शिव से आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस नेपाली मंदिर के निर्माण के पीछे की क्या कहानी है। नेपाली मंदिर की कथा के विषय में कहा जाता है कि पहले नेपाल के राजा रणबहादुर शाह ने वाराणसी में निर्वासन ले लिया। उन्होंने ही निश्चय किया कि वह नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थापित पशुपतिनाथ मंदिर की ही तरह हूबहू एक शिव मंदिर यहाँ भी बनवाएंगे। हालांकि उनके निर्वासन के दौरान मंदिर का निर्माण कार्य शुरू तो हो गया था, लेकिन इसको संपूर्ण रूप उनके पुत्र गिरवान योद्धा राजेंद्र वीर विक्रम शाह देव ने बनवा कर पूरा किया। नेपाली मंदिर की रचना को, जैसा कि यह मंदिर लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए इसे काठ वाला मंदिर भी कहते हैं। काठ मतलब लकड़ी। यह मंदिर शंखू की लकड़ी और पत्थर के इस्तेमाल से नेपाली वास्तु शैली से बनाया गया है। यह रचना नेपाली कारीगरों की उत्कृष्ट शिल्प कौशल को बखूबी दर्शाती है, इसलिए यह वाराणसी के कुछ खास मंदिरों में से एक है। यही नहीं, काठ वाला मंदिर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी हैं। इस नेपाली मंदिर यानी कि अपने इस काठ वाले मंदिर में विभिन्न कलाकृति भी की गई है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लकड़ी के मंदिर में जो मूर्तियां खुदी हुई हैं वे खजुराहो स्मारक के समान दिखाई देती हैं, इसलिए इसमें खजुराहो की आकृति भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि यह रचना लकड़ी की बनी हुई है, पर फिर भी यह दीमक मुक्त है। यह मंदिर स्थानीय कारीगरों और राजगीरों की निपुणता को दर्शाता हुआ आज भी समय की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा है। इसलिए आप अपनी वाराणसी की यात्रा में इस मंदिर के दर्शन पर पशुपतिनाथ दर्शन का एहसास कर सकते हैं। नेपाली मंदिर वाराणसी के ललित घाट के पास ही स्थित है। ललित घाट में शिव मंदिर के साथ साथ ललिता गौरी मंदिर भी स्थापित है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से नेपाली मंदिर कुछ ही दूरी पर गंगा तट पर है। खजुराहो भी इस बाकी वापस बैठ मार दी।
तुम डिजाइन बनाने में धीरे से होगी कश्मीर डिजाइन में बड़ी अच्छी डिजाइनिंग उतारी गई है सर। दरअसल होता है क्या कैमरा कितने भी चलाइए ना कुछ डिजाइने जो आँखों से जरूर दिखती हैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद अधिकारी। मैं ये जो काशी के गंगा जी के तट पर जो विराजमान श्री साम्राज्यश्वर पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर है उस मंदिर का वर्तमान में मैं महासचिव हूँ। ये मंदिर नेपाल के पूर्व नरेश रणबहादुर शाह द्वारा जो सो यहाँ रहते थे और उनके पुत्र राजेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ने इस मंदिर को बनाया। ये मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। ये विशुद्ध पैगोड़ा शैली में बना हुआ यह मंदिर, जिसमें पैगोड़ा शैली की विशेषता ये है कि अगर भूकंप होता है तो उस पर कम भार पड़ता है, ऐसा मानना है। और ये मंदिर जो है जो काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है उसके सोचिए वो एकदम उसके हूबहू टू कापी है, फोटो स्टेट का मान लीजिए उसका। काठमांडू में जो पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वो भी इसी शैली में बना हुआ है जो शैली में यहाँ है। और यहाँ जो चित्रकारी भाई जो काष्ठ कला जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये काष्ठ कला भारत के किसी और मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि वो जो खजुराहो में पाषाण कला के लिए खजुराहो मशहूर है, उसी तरह से ये काष्ठ कला के लिए काशी के ललिता घाट पर स्थित जो पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर है, ये मंदिर जो है सो प्रसिद्ध है। ये पुरातात्विक मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये भारत सरकार ने भी अपने जो गाइड मैप में ये मंदिर की जो इसका नक्शा उसमें प्रकाशित है। जो ऐसा है कि इसमें चारों जो है जो हमारे जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना है। ये तीनों चारों चीज़ का प्रदर्शन होता है। इसका मेन व्यू जो है सो संसार में लोग कैसे आते हैं और संसार में लोग कैसे रहना चाहिए, काम क्या है, धर्म क्या है, अर्थ क्या है और काम क्या है और अंतिम मोक्ष कैसे प्राप्ति होती है, ये चारों पुरुषार्थों को इसमें इंगित किया हुआ है। गुरु जी, ये जो मंदिर है यहाँ पे क्या चढ़ावा चढ़ता है और आरती कब होती है? नहीं, आरती तो सुबह 5 बजे होती है और शाम को जैसे ठंडी है तो अभी से मान लीजिए 6 बजे के आसपास आरती भई है। और चढ़ाव के लिए कोई यहाँ विशेष कोई प्रतिबंध नहीं है। जो लोग आते हैं जिसकी जो इच्छा श्रद्धा से जो भी चढ़ावे वो सब ठिकाने में वो यहाँ चढ़ता है। गुरु जी, मान्यता की जो नेपाल सरकार के थ्रू से होता है, अब ये मंदिर का संचालन एक समिति है जो कि रजिस्टर समिति है, जो भारत सरकार का चिटफंड सोसाइटी है वहाँ भी इसका रजिस्ट्रेशन है और नेपाल का जो संस्कृति मंत्रालय है वो मंत्रालय में ये रजिस्टर्ड है। और इसके जो संरक्षक भारत के लिए जो भी नेपाल के राजदूत होते हैं वो पदेन संरक्षक होते हैं इसके। और हमारे संस्था के जो अध्यक्ष जो है नेपाल संस्कृति मंत्रालय के द्वारा उनको नियुक्त होते हैं। बाकी कार्यकारिणी का चुनाव या लोकल बॉडी से हम लोग चुन करके ये मंदिर संचालन कर रहे हैं। गुरु जी, जो जिन राजा ने इस मंदिर की स्थापना कराई थी उस समय क्या उद्देश्य था? क्या उनको कोई स्वप्न आया था या फिर नहीं ऐसा थे ना, क्योंकि वो काशी जो था वो नेपाल के लिए, काशी बहुत ही पावन और बहुत श्रद्धेय स्थल है और काशी लोग हमेशा आते रहे, बड़े बड़े राजा महाराज यहाँ आते थे। तो यहाँ आकर के एक राजा रणबहादुर शाह यहाँ के संन्यास लेकर के रहने लगे और रहने के बाद में उन्होंने काशी नरेश से ये ज़मीन क्रय करके तो ये मंदिर का जो है उन्होंने शुरू स्थापना किया, धर्मशाला ये इधर का भवन बनाया था। बाद में उनके पुत्र राजेंद्र वीर विक्रम शाहदेव काशी आकर के अपने पिताजी की इच्छा को देखते हुए श्री साम्राज्यश्वर पशुपतिनाथ मंदिर करके उन्होंने इसे पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण कराया। गुरु जी, श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं? श्रद्धालु हर जगह, जैसे मान हिंदू तो आते ही हैं सब जगह, चाहे नेपाल के हों, चाहे भारत के हों, चाहे भूटान के हों, चाहे म्यांमार के हों, कहीं के भी हिंदू लोग आते हैं। उसके साथ साथ इस मंदिर की जो है सो चित्रकला को देखने के लिए जो फॉरनर्स जो टूरिस्टर जो काशी में आते हैं प्राय, वो लोग भी आ करके मंदिर को देख देख के बड़ा कृत्य कृत्य होकर के वाह वाह करते हुए जाते हैं। जो पापचम् पार्वतीनाथ सर्वपापहरुर्भव
ओम चंद्रोद्भासित शिखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विहरे नेत्रोद्भव स्वानरे दंते काकृत सुंदर हरे त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थं कुरुचेत वृत्ति मचला मन्ये सुखिं कर्म वे वंदे देवौ महापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यसुधाङ्गवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरेन्द्रांतरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमदाङ्गमदापहारवाराणसीगुरुपते मदवेश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकान्दवृतनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये हरे वृद्धाश्रम माताजी ऐसा वृद्धाश्रम भी अच्छा यहाँ वृद्धाश्रम भी है ऐसा वृद्धाश्रम हमारे के आश्रम की है विद्यार्थी ये हमारे आश्रम की है ये बड़ा आश्रम ही है कौन मतलब वो जो जहाँ लाइट चल रही है अच्छा ये ऊपर एक ही साथ एक ही बोल जी मैं बनारस में मदनपुरा में रहती हूँ जी मैं आज पहली बार आ रही हूँ एक्चुअली मैंने सुना था किसी से तो मुझे पता नहीं था तो आज फर्स्ट टाइम मैं आ रही हूँ यहाँ कैसा लगा मंदिर और क्या खास बहुत बहुत सुंदर जो सुना मैंने यहाँ कि ये पशुपतिनाथ मंदिर का ही वो है बहुत ही खूबसूरत है ये तो अच्छा लगा बहुत पीसफुल एकदम बहुत अच्छा लगा अच्छा ये मंदिर जो एक्चुअली पशुपतिनाथ मंदिर के जैसा है बिल्कुल वो शाखू लकड़ी पे है वो पूरा बना हुआ और इसकी नक्काशी बहुत ही मैंने बहुत ही खूबसूरत है और ये बिल्कुल एकदम गंगा जी के पास में ही है यहाँ से बिल्कुल गंगा भी आपको दिख रहा है मैंने बहुत ही सुंदर ये मंदिर है
दर्शन हुए।